जो रोल खानदान के अंदर पुप्पू का होता है हर पाकिस्तानी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जामिनेशन पुप्पू की मानिंद है। जब जिंदगी सुकून की तरफ रवाना होती है और हम होते हैं कि कहीं डिस्ट्रेक्शन ना आ जाए तो बोर्ड्स आकर कहते हैं कि ये तो होगा। अब इस तंगी की वजह पढ़ाई से दुश्मनी नहीं बल्कि पाकिस्तानी बोर्ड्स का पुप्पू की सोच की तरह पुराना होना है। खैर आज जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी करते हैं। दस बार मैथ्स की सम सॉल्व नहीं हुई और ब्रेक्स इसी सोच में गुजर गए कि प्यार क्या होता है। मेरे नज़दीक वो लोग जाहिल हैं जो कहते हैं लव इज समथिंग वी कांट डिफाइन, क्योंकि तीन ऑप्शंस के बाद ETC एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी लिखने वाला सीन तो हर कोई जानता है। डेफिनेशन बताओ यार। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मेरे पास वीडियो को व्लॉग करने के लिए क्लिप्स नहीं है तो आप सही सोच रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आशिक फैक्ट्स पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सच्चाई देखी जाए तो लव इज समथिंग वी डोंट नो अबाउट। कुछ लोग का कहना है कि दूरी बर्दाश्त ना होना प्यार है। Then what is attachment? मतलब you are trying to say if I'm attached to someone or something और वो मुझसे दूर है तो उस वक्त की फीलिंग प्यार है। लॉजिक नहीं बन रहा। बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, क्या बिल्ली चूहे से दूर रह सकती है? नहीं। क्या बिल्ली चूहे से प्यार करती है? नहीं। चूहा बिल्ली की नीड है, क्या नीड लव है? नहीं। Then what is love? खैर हसनैन की ख्वाहिश है कि आज जेब खर्ची मिली है तो क्यों ना छोटी सी आउटिंग हो जाए। मेरा जब पैसे आप दे रहे हो तो आपकी ख्वाहिश आंखों पर। इफ यू वांट अचीव समथिंग इन योर लाइफ तो सच्चाई से भागो मत, सच्चाई को जानो, क्योंकि मेकिंग मिस्टेक्स इज बेटर देन फेकिंग परफेक्शन। एक होशियार बादशाह की निशानी है मुश्किल के वक्त दो कदम पीछे हट जाना। इफ यू लॉस्ट इन अ डिबेट तो मान लो ये बात, अपनी बातों को मनाने के चक्कर में फैक्ट्स को मानने से इनकार मत करो। वेट, जुम्मे के दिन वामिक तू प्यार की बातें क्यों कर रहा है? देखो एक प्यार इंसान से होता है तब प्यार करने वाला आशिक कहलाता है, और एक प्यार खुदा से भी होता है और तब वही आशिक सूफी कहलाता है। और किसी दोस्त ज़ेबा ने हमें उस प्यार से भी आगाह किया जिसमें आप एग्जिस्टेंस से प्यार करने लग जाते हो, यानी मैं कायनात से और कायनात मुझसे। कायनात कहाँ हो तुम? यानी आप खुद प्यार बन जाते हो। मैं इस प्यार को आज तक पूरा समझ नहीं पाया लेकिन इस डिस्कवरी को नहीं भूलूंगा। आई वोंट टेल यू व्हाट इज लव, यू हैव टू फील एंड फाइंड माय ओन। बिल्कुल मैथ्स में फाइंड एक्स की तरह। और अगर कोई लीगल पॉइंट मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पीस आउट।